हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने रेगुलर शैम्पू में आपको केवल दो चीजें मिलानी हैं, आपके बाल चमक उठेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जिस दिन भी अपने बाल वॉश करने हो, आप इस पानी से अपने बालों को वॉश करिए। आपके बाल जड़ से मजबूत, काले और घने होने लगेंगे। आपके बालों को भरपूर पोषण मिलेगा। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुकी हुई है तो आपके बाल दुगनी तेजी से बढ़ने लगेंगे। बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपके बालों में रूसी हो गई है, इन्फेक्शन है, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। और रूखे सूखे जो बाल हो गए हैं, जो डैमेज हो गए हैं, वो भी सिल्की और शाइनिंग और जड़ से मजबूत हो जाएंगे। और साथ ही ये पानी आपके बालों को काला और घना बनाएगा। पहली बार के इस्तेमाल से ही आपको अपने बालों में फर्क देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल नेचुरल चीजों से बनी ये रेमेडी आपके बालों से रिलेटेड सभी समस्याओं को दूर कर देगी। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बॉयज और गर्ल्स दोनों ही यूज कर सकते हैं। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है। आप इसे घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से रेडी कर सकते हैं। इस रेमेडी को कैसे बनाना है उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और रेमेडी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए और साथ ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन में 2 ग्लास पानी लेना है। अब इसके बाद में आपको लेनी है चाय की पत्ती। जी फ्रेंड्स, ये वही चाय पत्ती है जो आप चाय बनाने में यूज करते हैं। ये आपके किचन में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। चाय की पत्ती से आपके बालों का झड़ना बंद हो जाता है, साथ ही ये आपके बालों को जड़ से मजबूत, काला और घना बनाती है। आपको यहाँ पर 2 चम्मच चाय की पत्ती लेनी है। अब आपको यहाँ पर दूसरी चीज इसमें ऐड करनी है, वो है आंवला। यहाँ पर आपको सूखे आंवले लेने हैं। आंवला लगाना और खाना दोनों ही बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे बालों का झड़ना कम हो जाता है और बाल काले होने लगते हैं। जो समय से पहले ही जो हमारे बाल सफेद हो जाते हैं उनको भी ये काला बनाता है। आपको यहाँ पर 2 चम्मच आंवला ऐड करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास आंवला नहीं है तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से बॉईल कर लेना है ताकि इन दोनों चीजों की गुडनेस इस पानी में अच्छे से आ जाए। चाय की पत्ती के अंदर कैफीन होता है जो आपके स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करता है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण बालों का झड़ना कम करते हैं, बालों को भरपूर पोषण देते हैं और उनको सही तरीके से नरिश करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। इससे बालों का टूटना कम हो जाता है और चाय पत्ती का पानी बालों की जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें साथ ही काला और घना बनाता है। इससे बाल मुलायम, घने और सिल्की शाइनिंग हो जाते हैं। इसको ऐसे ही बीच में 1-2 बार चलाते जाना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसे बंद करके ढककर ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको ये ठंडा होने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसको आपको यहाँ पर किसी स्ट्रेनर की सहायता से इसे छान लेना है। अब आपको यहाँ पर शैम्पू ऐड करना है। शैम्पू यहाँ पर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके बालों को सूट करे। अभी मेरे पास ये वाला शैम्पू है इसलिए मैं यहाँ पर यही वाला ऐड करूंगी। आपको यहाँ पर पूरा शैम्पू का पाउच इसमें ऐड कर देना है।
अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें अच्छे से झाग बन जाए। फ्रेंड्स, अगर आपके बालों में रूसी है या डैंड्रफ हो गया है तो आप यहाँ पर आधा लेमन इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इसे स्किप भी कर सकते हैं। आपको इस तरीके से आधा लेमन को इसमें ऐड कर देना है। अब आपको इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपको मैं बताती हूँ इसको किस तरीके से अपने बालों पर अप्लाई करना है। जिस तरीके से आप अपना रेगुलर शैम्पू यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको धीरे धीरे इसी तरीके से अपने बालों को वॉश करना है। आपको इस पानी को शैम्पू के तरीके से ही यूज कर लेना है, क्योंकि इसमें हमने शैम्पू का पाउच इसमें ऐड किया है तो इसमें झाग भी बहुत अच्छे बनेंगे और हमारे बाल भी अच्छे से वॉश हो जाएंगे। आपको अपने बालों पर और जड़ों पर अच्छे से धीरे धीरे लगाते हुए अपने बालों पर लगा लेना है। इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से अपने बालों पर अच्छे से लगाइए ताकि आपके बालों पर और जड़ों पर अच्छे से लग जाए और आपके बालों पर अच्छे से वर्क कर सके। उसके बाद में आपको वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, 1 या 2 वीक के इस्तेमाल से ही आपको अपने बालों में फर्क देखने को मिल जाएगा। आप इस रेमेडी को वीक में 1 से 2 बार यूज करिए। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इससे आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा और आपके बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे और जो बाल रूखे सूखे हो चुके हैं वो भी सिल्की और शाइनिंग होने लगेंगे और आपके बाल जो सफेद होने लगे थे वो भी धीरे धीरे काले होने लगेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप इसको यूज करिए और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का फायदा उठा सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे ही घरेलू और नेचुरल रेमेडीज लाती रहती हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही नेचुरल और घरेलू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।